गाइस मैं जिम कर रहा हूँ, आप पूरी खिला रहे हैं मुझे। आप लोग कमेंट्स में थोड़ा हे गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज का जुम्बा सेक्शन काफ़ी लंबा चल गया और मज़ा भी आ रहा है, क्योंकि जितना मैं वर्कआउट से मेरा स्वेटिंग नहीं होता था उतना जुम्बा से हो जा रहा है। तो रियली अब तो एक टीम बन गई है। तो टीम में क्या है कि जब टीम में कोई भी चीज़ होता है तो मज़ा आता है करने में, इंडिविजुअली अगर करता है तो नहीं कर पाता है। तो अभी ग्रुप बना हुआ है हम लोगों का, जुम्बा का, कार्डियो का, दोनों का। तो उसमें क्या है, हम लोग एक साथ करते हैं तो उसमें क्या रहता है कि जोश आता है थोड़ा करने का और मज़ा भी आता है। वैसे भी कोई काम अगर आप ग्रुप में करते हैं तो सबका सपोर्ट मिलता है, आप करते हो, मोटिवेशन मिलता है। अगर आप थोड़ा सा रुक जाते हो दूसरे को देख के फिर आप करना शुरू कर देते हो। तो वैसे मेरे साथ भी हो रहा है, पहले मैं अकेला करता था, कुछ ना कुछ करता ही रहता था, बट मेरा भी एक सिस्टम था, मैं करता था, बट अब जुम्बा ज्वाइन कर लिया तो जुम्बा में मज़ा आ रहा है। सो गाइस अब निकलते हैं। मैं जिम कर रहा हूँ, आप पूरी खिला रहे हैं मुझे। आप लोग कमेंट्स में थोड़ा पंच वाला वर्ड भेजिए। क्यों नहीं 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 पूरी नहीं बनेगा, पूरी नहीं बनेगा, हाँ पूरी नहीं बनेगा। सुबह के 10:30 बज रहा है, मैडम जा रही है सोने, बोल रही है उठाना मत जाइए। सॉरी पूरी पराठा बनाएंगे ये लोग, सारा डैडी निकल जाता है घर में आते ही। तो क्या बनाओगी? पूरी बना, पूरी तो एकदम फेवरेट चीज है, फेवरेट है एकदम। और मैं काली चाय पी रहा हूँ, देखिए अपने चक्कर में गोरी वाली चाय बना दिया हमारे लिए। मम्मी को डिस्टर्ब कर मम्मी कहीं सोने, मैडम बोल रही चलो उसी रूम में जाके चाय पियेंगे तो लाइट जलाएंगे, मैडम जग जाएंगी। हे गाइस निकल रहे हैं अब ड्राइविंग क्लास के लिए। वैसे ड्राइविंग क्लास का कोई प्लान नहीं था, अभी प्लान ये था कि हम लोग जाएंगे गंगा देखने की, वहाँ पानी कितना हुआ है घूमने के लिए, बट मैडम ने सारा एकदम प्लानिंग में पानी फेर दिया है। आज जाने का मन है नहीं मैडम, लड़ाई हम लोग की हमेशा ऐसी होती है। ऑन स्क्रीन जो दिख रहा है एकदम सही दिख रहा है, गलत नहीं दिख रहा आप लोगों को। और सारा जो लड़ाई का जड़ है ये मैडम है। डेली कोई ना कोई प्लान करता हूँ कि भाई अब मैं जैसे छुट्टी पे हूँ एक महीने के लिए, एकदम कुछ नहीं करना है मेरे को। तो प्लान ये है कि भाई कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं जाते रहेंगे, घूमते रहेंगे, बट ये जो औरत है ये सारा जड़ है परेशानी की। सो गाइस अभी निकल रहे हैं ड्राइविंग के लिए, ड्राइविंग क्लास, गाड़ी घर में है लेकिन ड्राइविंग नहीं आती है। धीरे धीरे बूढ़ा हो जाऊंगा, गाड़ी नहीं सीख पाऊंगा। तो भाई प्लान ये है कि गाड़ी सीखेंगे, गाड़ी चलाएंगे और गाड़ी में फिर ब्लॉगिंग होगी आगे की। तो आगे आने वाले समय में हम लोग स्कूटी पर नहीं कार पर ब्लॉगिंग किया करेंगे। इनको स्कूटी पसंद है, गाड़ी में उल्टी आती है, हम गाड़ी में जबरदस्ती लेके जाएंगे। सो गाइस अभी निकल रहे हैं और पता करेंगे कहाँ पे है। वैसे 2-3 जगह बात किया है हमने, बात करने के बाद जहाँ गाड़ी जो अच्छी लगी, छोटी गाड़ी में सीखना नहीं है, छोटी गाड़ी में मज़ा नहीं आएगा। थोड़ी हाइटेड गाड़ी अगर आप सीख लेंगे तो छोटी गाड़ी में भी चला सकते हैं बड़े आराम से। तो गाइस निकलते हैं। तो गाइस पहुँच गया हूँ मैं सिविल लाइन जहाँ मुझे ड्राइविंग क्लास करना था। तो ये वो गाड़ी है जिससे मुझे सीखना है, अभी देखते हैं। पहले भी सीखा था लेकिन बीच में छोड़ दिया जिसकी वजह से सब कुछ भूल गया। तो अब जा रहा हूँ करने के लिए, देखते हैं क्या होता है। तो भैया है जो हमें सिखाएंगे, अब देखते हैं हम कितना सीखते हैं। सो गाइस स्टार्ट करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। सो गाइस ड्राइविंग की पहली क्लास, बहुत मज़ा आया, बड़ा स्मूथ लगा। और सिविल लाइन जैसे ट्रैफिक एरिया में, वैसे बाकी कंट्रोल तो नहीं था बट स्टीयरिंग का और क्या बोलते हैं भैया इसको, गियर का कंट्रोल मेरे हाथ में था, बीच में गाइड करते रहे, बड़ा अच्छा रहा। मतलब पहले दिन में एक लाइन मिल गई कि यहाँ 15वें दिन में हम क्या होंगे। तो भैया का रोल सबसे ज़्यादा रहा, थैंक यू सो मच भैया। और आज पहला दिन था, अभी आगे 14 दिन और बाकी है। सो गाइस अब यहाँ से निकलेंगे सीधे घर के लिए। सर
हाँ बिल्कुल, अरे बिल्कुल बता तो रहे हैं आप, कैसे खोले ऐसे? अच्छा इधर से कल कहाँ जाए भैया? कल 12 बजे से है भैया, जैसे टाइम लिखवाया हमने 12 बजे का। सो गाइस कल भी आना है 12 बजे। अब आज का तो जैसे कि मैं आया था यहाँ पे मिलने इनसे तो खाली था स्लॉट, तो मैंने स्टार्ट कर दिया अपना क्लास। बाकी कल से जो टाइमिंग हमने फिक्स किया है 12 बजे का रखा है, 12 और 12:30 के बीच में हम यहाँ पे आ जाएंगे। और प्लान ये है कि यहाँ से क्लास क्लोज करते हुए बच्चों को स्कूल से लेते हुए घर पहुँच जाएँ, ताकि पापा को भी ना आना पड़े। सो गाइस आज की क्लास हो गई है ओवर, अब निकल रहे हैं घर के लिए। Aspirations, I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step. So guys, आ चुके हैं बच्चों को लेने के लिए स्कूल में। अभी ओनली उन्हीं बच्चों को छोड़ा गया है जो बस से जाते हैं, तो बस जा चुकी है। अब थोड़ी देर में बच्चों का प्रेयर होगा क्लास का, क्लास का सभी का होता है लास्ट में, और उसके बाद ही छोड़ा जाएगा उन्हें। वेट करते हैं, सारे बच्चे तैयार, पेरेंट्स तैयार हैं बच्चों को रिसीव करने के लिए, बट अभी प्रेयर के बाद ही सबको छोड़ते हैं लोग। तो भाई आ चुके बच्चे, अब लेके चलते हैं वो घर। लंच का टाइम भी हो रहा है, भूख भी लग रहा है मेरे को। सो गाइस आए हैं छत पे स्केटिंग कराने बच्चों को। क्या खुल जा रहा है? ओ हो हो, मेरा ये तो, मेरा ये को ऐसे पकड़ के पकड़ो, लगाओ, लग गया ना, ठीक है, हो गया तो सही। तो एक निकाल दो, कोई बात नहीं, ये निकाल दो, छोड़ दो, जाओ करो। सो गाइस बहुत दिन से जीत कर रहे थे, शू के लिए शू आ गया, सब कुछ आ गया, अभी स्केटिंग में आराम से चलो स्टार्ट करो, चलो करके कर, अगर अच्छा करोगे तभी आपका वीडियो डालेंगे, तो नहीं तो काट देंगे अगर खराब स्केटिंग की है तो। चलो हटो, मजा आ गया, चलो 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 चलो। हाँ ये थोड़ा जैसे स्केटिंग कर सिखाया हो ना इसको, कि आगे झुक के करना है, ये गधा ना झुकता नहीं, देखो कैसे डर के कर रहा है। आपको कितनी बार बोला है भाई ऐसे कर। सो गाइस मौसम भी एकदम सुहावना हो गया है, बारिश होने लगी, बूंदाबांदी हुई थी, हमको लगा हो गया अच्छा स्केटिंग। मैडम यहाँ छत पे वॉकिंग करने के लिए, वेरी गुड, दिखाना नहीं है, करो, दिखाओगे तो गिरोगे, ठीक है? जैसे देखते हो क्रिकेट खेलते हैं या बड़े बड़े स्टेडियम में करते हैं, अगर वो दिखाने लगे ना दूसरों को तो हो गया। आप बस ये सोचो कि आप ही हो और कोई नहीं है यहाँ पे। वैसे काफी दिनों बाद स्केटिंग कर रहे हैं, इतना दबा के कर रहे हैं कि गिर रहे हैं, उठ रहे हैं, गिर रहे हैं, उठ रहे हैं। तो अब इनको बोल दिया है थोड़ा सा साइलेंट, स्कूल भी जाना होता है ना। चलो कोई नहीं, ठीक है, बहुत बढ़िया। सुभाष तो एकदम चीता आदमी है हमारा, एकदम बढ़िया से किया है। अब इसी तरह से पढ़ाई भी करेगा हमारा, पढ़ाई भी इसी तरह से करेगा, करेगा ना। और हमारे घर के आलसी लोग, दो आलसी लोग देखिए, जबरदस्ती इनको लेकर आया छत पे वॉकिंग कराने के लिए, तो वॉकिंग कर रहे हैं लोग। आलसी लोग, आलसी लोगों की दुकान है हमारे घर में, जबरदस्ती कराना पड़ता है मिर्ची के को कंप्लेन। गाइस होने जा रहा है हाइड एंड सीक गेम, तो फर्स्ट स्टार्टिंग हम कर रहे हैं। हमारे आंख पे पट्टी बंध गई है, अब दिख नहीं रहा है। आओ भाई, नहीं दिख रहा है भाई। नहीं नहीं पकड़ना है, छूना नहीं है, पकड़ना नहीं, नहीं नहीं पकड़ना, नहीं 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 नहीं, बेमानी नहीं, बेमानी नहीं, फिर से पकड़ना है ऐसे। मम्मी कहाँ है? पापा नहीं गए, पापा यही है। डेड का मम्मी पे जाना,
डेंजर। हे गाइस, हो गया डिनर। डिनर में मैडम ने पता नहीं कौन सा खीर बनाया था, उसमें क्या मिला, ये कचा कचा कर रहा था, ये हैं ऐसा जैसे कोई राख जैसा लग रहा था, हैं गुड़ में होगा फिर वो। चलो आप आओ। सो गाइस, आज कुछ ज़्यादा ही मस्ती हो गई है, तो बड़े उस्ताद के सर में दर्द हो रहा है, तो करेंगे अब इनको मालिश। हाँ बहुत कम गिर रहा है, तब कुछ हो गया, मैं तो बहुत बार गिर चुका, मेरे को नहीं हो रहा है। क्यों? ये मस्ती ज़्यादा करता है ना, बड़ा भैया है ना, मस्ती ज़्यादा करता है। ये देखो अपने। सो गाइस, करते हैं इनके सर पे मालिश। बस गिरी ना, इतना मस्ती किए छत पे, स्केटिंग कम हो रहा था, गिर जा रहे थे। अगला देखते हैं यूके, अब यूके तो होगा नहीं, इससे होगा यूके। सो गाइस, हो गया मालिश और अब टाइम हो रहा है अभी इस ब्लॉग को एंड करने का। होप गाइज आपको ब्लॉग आज का अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, एंड प्लीज़ 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 गिव योर सपोर्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।